वेरी बिग हेलो टू ऑल माइ डियर स्टूडेंट्स में आपके फेवरेट डॉक्टर so, आज हम लोग पढ़ेंगे अल्फाबेट डी सो अल्फाबेट डी में क्या पढ़ना है डायबिटिक रेटनोपैथी डी से तो डायबिटिक सबसे इंपॉर्टेंट है राइट सो डायबिटिक रेटनोपैथी बेसिक समझ लेते हैं किसी भी वस्क्यूलर लेजन में कोई भी वस्कुलर डिजीज है रेटिना की उसमें क्या कहानी है क्या पैथोजेंसिस है जो डायबिटीज़ में पूरी अप्लाई होती है सबको पता है डायबिटीज़ में माइक्रो एंजोपैथी होती है स्मॉल ब्लड वेसल्स की पैथोलॉजी है ना तो जब माइक्रो एनजोपैथी होगी माइक्रो एंजोपैथी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डायबिटीज़ में आपको क्या याद रखना है ये एग्जाम में पूछा जाता है क्यों लगाइए लॉस ऑफ पेरिसाइड्स है ना कैपिलरीज जो है क्या स्ट्रक्चर होता है एंडोथीलियल सेल एंड पेरिसाइड सो इट इज मेनली लॉस ऑफ पेरिसाइड्स अब जब इस तरह की चीज होगी तो क्या होगा माइक्रो की वजह से हाइपोक्सिया हो रहा है जब हाइपॉक्सिया होगा उसके बाद उत, उसके रिएक्शन में होते हैं इंक्रीज कैपिलरी पवेबिलिटी जब पवेबिलिटी बढ़ती है तो फिर लीकेज होता है जब भी लीकेज होगा इससे और हाइपॉक्सिया बढ़ेगा तो विशियस सर्कल लीकेज कैसे मैनिफेस्ट करता है लीकेज हमारा कैसे मैनिफेस्ट करता है एक्जुडेट मिलेंगे मिलेंगे और हेमरेज मिलेंगे यही होगा ना एडीमा ऑल टाइप ऑफ एडीमा मतलब मैक्यूला पे एडीमा मैक्यूल्ड एडीमा पैपल रेटनाम एडीमा वो अलग से उसको रेटनल एडीमा बुलाते हैं सो so, यही मतलब है ऑल टाइप ऑफ एडीमा एक्जुडेट्स लीकेज हो रहा है इसलिए हार्ड एक्जुडेट्स हार्ड एक्जुडेट क्या होते हैं लिपिड्स और सॉफ्ट एक्जुडेट क्या होते हैं एक्जोनल डेब्रेस इज डेड एक्सोन है हैमरेज दोनों तरह के आपने पढ़े होंगे सुपरफिशियल हैमरेज और डीप हैमरेज सुपरफिशियल को हम बुलाते हैं फ्लेम शेप्ड हैमरेज और डीप को डॉट एंड ब्लॉट हैमरेज राइट तो ये आपको बेसिक पता होना चाहिए क्विक रिव्यू कि इसके बाद क्या होता है जब आपको ये पता है कि ये चीजें हो रही है अब लीकेज हो रहा है हाइपॉक्सिया बढ़ रहा है जब बहुत ज्यादा हाइपॉक्सिया हो जाएगा तो रिलीज ऑफ कीमोटैक्टिक फैक्टर्स मेन वीई जी एफ फैक्टर रिलीज हो रहा है जब ये रिलीज होगा तो क्या होगा विल बी और ये कैसे डिपेक्ट करते हैं रटना में एनवीडी या एनवीई एन वी डी मतलब एट डिस्क ई मतलब इसके अलावा कहीं भी इसकी वजह से थ्री ब्लाइंडिंग कॉम्प्लीकेशन हो सकते हैं क्या क्या न्यूवस्कुराइजेशन ब्लीड कर जाए विट्रस में हैमरेज न्यू ब्लड वेसल्स में फाइब्रस टिश्यू हमेशा एसोसिएटेड होता है तो जब वो कंट्रैक्ट करेगा इट विल पुल द रेटिना इसमें क्या हो जाएगा ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट और तीसरा क्या मिल सकता है हाइपॉक्जिया द रेटिना से आगे हाइपोक्सिया हो जाएगा एनटीए सेगमेंट में क्योंकि न्योवस्क कीमोटैक्टिव फैक्टर्स आगे जाएंगे तो वी जब आगे एनटीए सेगमेंट में पहुँच गया तो वहाँ पर न्यूवस्केशन कहाँ होता है आयरिस में जिसको बुलाते हैं रूबियासिस आयराइडिस और ये जाके एंगल में इंक्रोच करके एंगल को ब्लॉक कर देता है ये हो गया आपका नियोवेस्क्यूलर क्लॉकोमा ठीक है तो ये पूरी कहानी ये जो मेजोरिटी वेस्क्यूलर डिजीज में फिट होती है इसको क्या बुलाते हो रेटिनाइटिस प्रोलीफर है ना रेटिनाइटिस प्रोलीफर राइट अब ये पूरी कहानी है बेसिक पैथोलॉजी है आपके डायबिटिक रेटनोपैथी ये पता होना चाहिए क्लिनिकल फीचर पे आते हैं क्लिनिकल फीचर पढ़ेंगे स्लाइड्स देखते हैं सबसे पहले स्टेजिंग के हिसाब से पढ़ते हैं बेसिक पहले समझते हैं इनिशियली सबसे फर्स्ट साइन क्या होता है ये सवाल आया हुआ है फर्स्ट साइन ऑफ डायबिटिक आप बोलोगे माइक्रो एन्यूरिज्म्स उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा माइक्रो एन्यूरिज्म्स के बाद आपको ध्यान से देखो यहाँ पे ये आपको ये क्या ये क्या है ये हार्ड एग्जुडेट्स है ठीक है ये वाले हार्ड एक्जुडेट्स हो गए ये डॉट एंड ब्लॉट हैमरेज हो गए डॉट हैमरेज हो गया तो ये सारे फीचर्स क्या है बैकग्राउंड डायबिटिक रेटनोपैथी फर्स्ट स्टेज यही होता है बैकग्राउंड जिसमें आपको माइक्रो एन्यूरिज्म मिला आपको हैमरेजेस मिल रहे हैं डॉट एंड ब्लॉड और फ्लेम शेप दोनों मिल सकते हैं और एग्जुडेट्स मिला डॉट एंड ब्लॉट ज्यादा कॉमन डायबिटीज में होता है खैर ये आपको बहुत ज़्यादा मगअप नहीं करना है इतना अब जब हाइपोक्सिया बढ़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं जब हाइपोक्सिया बढ़ेगा तो डैमेज बढ़ेगा तो डेब्रिस बढ़ेगा तो एक्जोनल डेब्रिस सॉफ्ट एक्स्यूटेट्स होते हैं वो बढ़ जाएंगे ये स्टेज अब धीरे धीरे जब हाइपोक्सिया और बढ़ गया ये हो गया आपका प्री प्रीप्रॉलीफरेटिव स्टेज प्री प्रोलीफरेटिव डायबिटिक रेटनोपैथी प्री प्रोलीफरेटिव में क्या हो रहा है आपके हाइपोक्सिया ज्यादा होने की वजह से सॉरी ये यह यहाँ पे क्योंकि हाईपॉक्जिया बढ़ गया अब आपको क्या है इंक्रीज नंबर ऑफ सॉफ्ट एक्जुडेट को और क्या बुलाते हैं कॉटन वूल स्पॉट्स ये बढ़ जाएंगे ठीक है लार्ज ब्लॉट हैमरेज हो जाते हैं नोट कर लीजिए मैं पूरा लिख नहीं रही हूं ये है लार्ज ब्लॉट हैमरेज और क्या होता है प्री प्रोलिफरेटिव ये प्री प्रोलिफरेटिव स्टेज है जब हाइपॉक्सिया बढ़ गया तो ये हो गए आपके लार्ज ब्लॉट हैमरेज ठीक ये हो गया फ्लेम शेप्ड हैमरेज ये वाले ये कॉटन वूल स्पॉट्स हैं ये ठीक है दीज आर सॉफ्ट एक्जुडेट्स और छोटे वाले जो होते हैं वो होते हैं आपके हार्ड एक्जुडेट्स तो ये इसके अलावा क्या मिलता है लूपिंग तो पहली चीज़ मिली मोर नंबर ऑफ सॉफ्ट एक्जुडेट्स दूसरी चीज़ क्या मिली लार्ज ब्लॉट हैमरेज तीसरी चीज़ क्या मिली जो कि आपको बैकग्राउंड डायबिटिक रेटनोपैथी के फीचर्स तो मिल ही रहे हैं इसके अलावा क्या मिला हम ये पढ़ रहे हैं बैकग्राउंड डायबिटिक रेटनोपैथी के फीचर्स प्लस ये सब मिल रहा है इसलिए इसको हम प्री प्रोलिफरेटिव बुलाएंगे तीसरा मिलता है ये दिख रहा है आपको लूपिंग ऑफ कैपिलरीज लूपिंग या इस तरह से बीडिंग इसको बीडिंग बुलाते हैं और चौथी चीज मिलेगी आई आर एम इंट्रा रेटनल माइक्रोवेस्क्यूलर एबनॉमेलिटी ये क्या होता है ये होता है कैपिलरी शंट वेसल्स आई आर एम ठीक है तो ये आपका हो गया प्री और वो हाइपोक्सिया बढ़ा तो आपने देखा कि यहाँ तो नियोवस्क्राइजेशन हो रहा है ये जो आपके डिस्क पे होता है इसको बुलाते हैं एन इसलिए कौन सा स्टेज हो गया प्रोलीफरेटिव डायबिटिक रेटलोपैथी यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या दिख रहा है ये है आपका फ्लेम शेप्ड हैमरेज इसी को बुलाएंगे ठीक ये हो गया आपका कॉटन वुल स्पॉट्स ये हो गया हार्ड एग्ज्यूडेट्स अब तो आप पहचान लोगे और ये हो गया डॉट एंड ब्लॉट ये हो गया एक लार्ज ब्लॉट हैमरेज ये हो गया डॉट एंड ब्लॉट हैमरेज ठीक है ये वाला ये 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 ठीक तो ये सारी findings आपको पता नहीं Clinical feature staging के अलावा और एक staging बहुत जरूरी है जानना अब वो वो पढ़ लेते हैं वो भी similar ही है इसके, लेकिन समझते हैं क्या अंतर है सो so, नेक्स्ट लिखेंगे नेक्स्ट लिखते हैं इटी डी आर एस क्लासिफिकेशन ई टी डी आर एस क्लासिफिकेशन मेरे साथ याद कर लो मैं आसान तरीके से याद करा रही हूँ इसमें क्या करते हैं हमने डायबिटिक रेटिनोपैथी को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया नॉन प्रोलिफरेटिव डी और प्रोलिफरेटिव डी अब प्रोलिफरेटिव तो आपको पता है न्यूवर्सकलाइजेशन है नॉन प्रोलिफरेटिव को फिर डिवाइड करो वेरी माइल्ड माइल्ड मॉडरेट सिवियर एंड वेरी सिवियर ठीक है ऐसे वेरी वाइल्ड मतलब सिर्फ माइक्रो एन्यम है और कोई फाइंडिंग नहीं है ठीक है ये लेटेस्ट क्लासिफिकेशन है ये आपको इंपॉर्टेंट है पता होना चाहिए क्यों लगा रहे वेरी माइल्ड एक्चुअली जितनी चीजें मैंने पढ़ाई डायबिटिक रेटनोपैथी पूरा ही टॉपिक क्यों है क्वेश्चन माइक्रो एनोरिज्म एक सवाल आता है किस लेयर में प्रेजेंट है आप क्या बोलोगे नर्व फाइबर लेयर में प्रेजेंट फिर आ जाओ माइल्ड माइल्ड में क्या मिलेगा माइल्ड में आप बोलोगे ऑल द फीचर्स ऑफ बैकग्राउंड डायबिटिक रेटनोपैथी यानी माइक्रो एनोरिजम हो गए हमरेज हो गए एक्जीडेट हो ठीक है मॉडरेट में क्या मिल रहा है ऑल द फीचर ऑफ प्री प्रोलिफरेटिव डायबिक रेटनोपैथी मतलब मोर नंबर ऑफ कॉटन वुल स्पॉट्स आई आर एम ए लुपिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ कैपिले सब मॉडरेट हो गया अब पढ़ते हैं सीवियर क्या होता है ये एग्जाम क्वेश्चन है इस पर भी पूछा गया है फोर इज टू टू इज टू वन रूल क्या है फोर इज टू टू इज टू वन रूल या तो हैमरेज या माइक्रो एनिज्म ऑल फोर क्वार में मिले पूरे फंडस में को फोर क्वार्स में डिवाइड कर दो तो आइदर ऑल फोर क्वाड्रेंट में ये मिले या और इसके अलावा या तो लूपिंग और बीडिंग जो है वो दो क्वाड्रेंट में मिल रही है नहीं तो ये सारा और है ओके okay? नहीं तो आई आर एम एक सिंगल क्वाड्रेंट में मिल रहा है ये होता है आपका सीवियर और वेरी सीवियर क्या है मोर देन वन क्राइटेरिया ऑफ सीवियर इज वेरी सीवियर ठीक है मोर देन वन क्राइटेरिया ऑफ सीवियर इज वेरी सीवियर ठीक है ये हो गया आपका और पी बस याद रखिए जब न्यूवर्स्केशन ठीक है और क्या चीज़ें पूछी गई आपसे अब मैं इसको वर्बली बता रही हूँ आप नोट कर लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर रेक्रेंस ऑफ डायबिटिक रेटनोपैथी अगर पूछता है आप क्या बोलोगे ड्यूरेशन जब हम आप लेट ऑनसेट या टाइप टू डायबिटीज की बात करते हैं तो ड्यूरेशन का मतलब ट्वेंटी टू ईयर्स ट्वेंटी फाइव ईयर्स इस ड्यूरेशन की बात हो रही है दूसरा सब इसका मतलब समझ लो आप कितना भी शुगर को कंट्रोल करोगे 20-25 साल के अगर पुरानी डायबिटीज है तो फंडस चेंजेस आ सकते हैं ये हो गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फिर आपसे पूछेगा सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आप बोलना कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर दैट इज ग्लाइसेमिक कंट्रोल इसका मतलब है अगर आपने शुगर नहीं कंट्रोल किया तो दो दिन में भी हो सकता है शुरू ठीक तीसरी चीज पूछेगा फर्स्ट फंडस एग्जामिनेशन कब करना चाहिए टाइप वन अगर है आफ्टर फाइव ईयर्स और क्यों इतना टाइम लगेगा और टाइप टू है तो उसको तो तुरंत देखिए क्यों यहाँ टाइम नहीं लगेगा लगेगा बट हमें पता ही नहीं होता है कि कब से इसको डायबिटीज़ है मरीज को टाइप टू डायबिटिक्स जो होते हैं बहुत लेट डायग्नोस होते हैं तो जब भी मरीज आपके पास आए एक बार तो फंडस देख लेना चाहिए कि चेंजेस आ तो नहीं गए ठीक है ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट साइन क्या बताया माइक्रोजम किस लेयर में एन लेयर में तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अब जो ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट पे डिपेंड करेगा एन है नॉन प्रोफेटिव उसमें ईडीमा है मैक्यूलडीमा की नहीं है अगर मैक्यूलोडीमा नहीं है बस ग्लाइसेमिक कंट्रोल करिए और मरीज को फॉलोअप पे बुलाइए ठीक है अगर आपका मैक्योलडीमा है अब आप क्या करोगे अब जो है आपको फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो होता है वो तो है एंटी वेजफ़ इंजेक्शन ठीक है एंटी वेजफ पता है ना विवैसी ज्यूमैब रानीबी जूमैप एक बार रिवाइज कर लेना इसके इंजेक्शन देते हैं जो कि हम दो से तीन बार रिपीट कर सकते हैं लाइन ऑफ़ ट्रीटमेंट डायबिटिकलेशन करेंगे अब आ जाओ अगर प्रोलिफरेटिव है पीडीआर अगर है तब फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है पैन रेटिनल फोटोकोगुलेशन और सेकेंड लाइन में आ जाएगा इंट्राविटर एंटीवेज इंजेक्शन जो उसको सपोर्ट करेगा इस ट्रीटमेंट को क्योंकि आप बार बार पैन पीआरपी भी नहीं कर सकते क्योंकि आपके नर्व फाइबर डैमेज हो सकता है विजुअल फील्ड इफेक्ट्स आ सकते हैं ठीक तो ये हो गया आपका क्विक की ट्रीटमेंट में आपको कैसे याद करना है विद ए विदाउट ए ये हो गया नॉन प्रोलीफरेटिव और ये हो गया प्रोलीफरेटिव राइट चलिए अब ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सो so, ये जितने भी ये हमारे सेशंस हैं इट हैज़ टू बी वेरी क्विक बहुत जल्दी हमें बहुत क्रिस्प बताना होता है इसीलिए मैंने इतनी क्विकली जितनी बातें बता सकती हूँ बताने की कोशिश की है आप देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ऑल ऑफ अंडर्स फाइंडिंग्स ऑफ डायबिटिक रेटनोपैथी एक्सेप्ट आसान है माइक्रोज रेटनल हेमरेज आर्टीरियल डायलटेशन यूज एक्सेप्ट में क्या आएगा आर्टीरियोलर डायलेशन राइट सो ये जितने भी मैं ए टू जेड सीरीज बता रही हूँ जो टॉपिक्स डिस्कस कर रही हूँ मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको अच्छे से पढ़ना है इनको राइट ओके थैंक यू सो मच होप यू एंजॉयड द सेशन स्टे ब्लेस्ड एंड कीप स्माइलिंग